नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टॉक का चुनाव किया हुआ है। दोस्तों, आप देखेंगे तो अपने लाइफ टाइम से लगभग 10 से 15% डिस्काउंट प्राइस पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक रहा है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ 2020 में ये स्टॉक लगभग 19-20 रुपये का हुआ करता था। आप देखेंगे तो क्या शानदार यहाँ पर तेजी देखने को मिली, और आप देखेंगे तो स्टॉक ने लगभग 340.50 रुपये का हाई लगाया 10 जुलाई 2024 को। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, यहां से अगर मुझे लगता है कि जो इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो है, काफ़ी बेहतरीन मुझे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर यहाँ से बाइंग की जाएगी तो आने वाले दिनों में 10 से 15% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज कंपनी का एक्स डेट भी था। आप देखेंगे तो कंपनी ने 80 पैसे का डिविडेंड भी देता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों, कंपनी देखेंगे तो लगभग कर्ज मुक्त है। कंपनी 43.4% का अच्छा लाभांश भुगतान बना करके रख रही है। तो दोस्तों, आज हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त करेंगे, टेक्निकल पैरामीटर्स को जानेंगे, फंडामेंटल को जानेंगे, चार्ट पे भी लेके चलेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके बारीकियों से देखेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में शैम्पो और आईएफएल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को विदित है, हर दिन हम आप लोगों के लिए नए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं, शॉर्ट वीडियोज लॉन्ग वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में एक बेहतरीन तेजी देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज हमने पिरामल इंटरप्राइजेस के बारे में दोस्तों के साथ पी साझा किया हुआ था, कैपिटल ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट के भी स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। कंपनी 1954 में स्थापित की गई थी। कंपनी का गठन भारतीय रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स आवश्यकताओं को संभालने के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत किया गया था। BEL एक बहु उत्पाद बहु प्रौद्योगिकी समूह है, जो राडार और अग्नि नियंत्रण प्रणाली, मिसाइल सिस्टम, संचार और C4I सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और एयोनिक्स नौसेना प्रणाली और एंटी सबमरीन युद्ध प्रणाली, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स और गन अपग्रेड आदि क्षेत्रों में भारत का सशस्त्र बलों को उत्पाद और सिस्टम प्रदान करने का कार्य करती है। दोस्तों, कंपनी ने इस वर्ष पूंजीगत व्यय पर 700 से 800 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है, जिसमें से लगभग 9% R&D डिपार्टमेंट के अंदर खर्चा किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम इसके साझेदारी की बात करूँ तो आप देखेंगे HAL और BEL ने Sukhoi-30MK के लिए लॉन्ग रेंज ड्यूल बैंड स्वदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के सह विकास और सह उत्पादन के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा वे एक सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री बनाने की भी योजना बना रहे हैं। दोस्तों, अगर हम राजस्व की बात करें, उत्पादों की बिक्री से 90%, सेवाओं के आय से लगभग 10% का राजस्व अर्जित होता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर राजस्व की बात करें तो घरेलू से 98% और निर्यात से देखेंगे तो 2% का राजस्व अर्जित होता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को जानने की। तो सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंट को जान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टेंट की बात करूं, 298.58 का है। सेकंड रेसिस्टेंट की बात करें, 301.02 का है। अगर वहीं पर थर्ड रेसिस्टेंट की बात करें, 304.98 का देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र सपोर्ट के ऊपर डालेंगे तो दोस्तों, अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूँ, 292.18 का है। सेकंड सपोर्ट की बात करें, 288.22 का है। थर्ड सपोर्ट की बात करें, 285.78 का देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र सिंपल मूविंग एवरेज को डालेंगे तो आप यहां पे देखेंगे 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज के जो सिंपल मूविंग एवरेज हैं वो यहां पे बेरिस देखने को मिल रहे हैं। 100 डेज, 200 डेज के जो सिंपल मूविंग एवरेज हैं वो यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर डालेंगे तो सबसे पहले कंपनी के वैल्यूएशन को जान लेते हैं। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, 2,16,443 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो 51 का है। डिविडेंड यील्ड 0.74% का है। बुक वैल्यू की बात करें, 22.34 का है। फेस वैल्यू 1 का है। प्राइस बुक रेशियो की बात करें, 13.26 का है। ROC की बात करें, 30.88% का है। ROE की बात करें, 24.38% का देखने को मिल रहा है।
अब एक नजर इन्वेस्टमेंट रिटर्न के ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 1 वीक में लगभग 2% का निगेटिव रिटर्न है, 1 महीने में लगभग 11.5% का निगेटिव रिटर्न, 3 महीनों में 27% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीनों में 61%, 9 महीनों की बात करें तो 105% का जबरदस्त रिटर्न, बीते 1 सालों में 125%, 2 सालों में 199%, लगभग 200%, 3 सालों की बात करें 405%, 4 सालों में 678%, और बीते 5 सालों में देखेंगे तो 827%। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर डालेंगे तो सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग जान लेते हैं। 51.14% की होल्डिंग प्रमोटर की है। DII की बात करें 20.61% की होल्डिंग है। FII की बात करें 17.43% की होल्डिंग है। पब्लिक इन्वेस्टर के पास 10.82% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मेरी वेबसाइट भी है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, डेली फ्रेम का चार्ट हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हुआ है। दोस्तों अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 10 जुलाई 2024 को स्टॉक ने 340.50 रुपये का हाई लगाया, उसके बाद से कंटिन्यू आप देखेंगे तो गिरावट दिखा रहा है। एक इसका रेंज है, इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसका कारण मुझे लगता है जो इन्होंने रिजल्ट पेश किए, अगर मैं मार्च बात करूं सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो आप देखेंगे तो मार्च की अपेक्षा जून में काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो स्टॉक यहां पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों मार्च में जो इनका सेल्स 8,564 करोड़ का हुआ करता था, जून क्वार्टर में घट करके 4,244 करोड़ रह गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,287 करोड़ का हुआ करता था, जून क्वार्टर में घट करके 948 करोड़ का देखने को मिला। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे तो स्टॉक ने जबरदस्त यहाँ पे एक गिरावट दिखाई है। और अगर हम वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के सेल्स और ऑपरेटिंग की प्रॉफिट की बात करूँ तो बेहतरीन ढंग से वहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर मैं मार्च 2023 की बात करूं, जो सेल्स 17,734 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2024 में बढ़कर के 20,268 करोड़ का हुआ। और अगर हम वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2023 में 4,090 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2024 में देखेंगे बढ़कर के 5,051 करोड़ का बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे रिजल्ट है। तो दोस्तों ये थोड़े दिनों में अगर यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे सुधार आता हुआ देखने को मिलेगा तो एक ज़बरदस्त तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने आपको बताया, जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है काफ़ी फेवरेबल देखने को मिलता है। दोस्तों अगर ये स्टॉक 290 से 295 की रेंज मिले तो आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं, जो इसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 280 रुपये का। और जो आने वाले दिनों में टारगेट देखने को मिलेंगे, पहला टारगेट 340 का देखने को मिलेगा। अगर ये स्टॉक 350 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये 375 और 400 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर ले, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने आप लोगों के सामने वीकली चार्ट प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों ये एक बॉक्स को फॉलो करता है, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही इस बॉक्स को ब्रेक किया तो एक जबरदस्त तेजी, वापस एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा था, फाइनली जैसे ही ब्रेक किया वापस यहाँ पे एक तेजी, फिर जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला तो शानदार तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। दोस्तों ये इसका एक कंसोलिडेशन रेंज है, मुझे लगता है कि ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में बेल आप लोगों को एक जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी स्टॉक के अंदर बाय या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं। किसी भी स्टॉक के अंदर बाय या सेल करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं।